आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आगे। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे फॉर्मेट पेंटर काम करता है एमएस एक्सेल में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, यानी कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे राम, एंटर करेंगे, फिर लिखा मोहन, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में लिखा मैंने कमल, यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा, यहाँ पे लिख लिया 15, यहाँ पे लिखा 7, और यहाँ पे फिर मैंने लिख लिया 10। यहाँ पे कुछ टैग्स और कुछ नंबर, देखिए ये टैग्स हैं और ये हैं नंबर, ये मैंने लिख लिए। अब इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैंने कॉलन को बड़ा कर लिया ऐसे, और यहाँ से रो को भी बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यहाँ इस सेल में लिखा हुआ राम, इसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले इसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। और इसको एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। कंट्रोल के साथ में बी बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं तो ये कमांड फिर से अप्लाई हो जाएगी। एक बार कंट्रोल के साथ में बी बटन को फिर से प्रेस करोगे तो ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से इटैलिक कर लेते हैं, या कंट्रोल के साथ में आई बटन को प्रेस कर देंगे तो भी यहाँ पर ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से इसका फॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं। ये फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से आप कोई भी अपना मनचाहा फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए काफ़ी फॉन्ट यहाँ पे दिए गए, हिंदी के फॉन्ट भी हैं और इंग्लिश के फॉन्ट भी हैं। यहाँ से मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ इंग्लिश वाला। इसी के पास में लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़, यहाँ से आप फॉन्ट का जो साइज़ है इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से 20 ले लिया, काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी लग रहा है। इसी के पास में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, एक है इंक्रीज फॉन्ट साइज और एक है डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से भी इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको बड़ा करना है तो इंक्रीज कर दीजिए, और यहाँ से ये छोटा करना है तो यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको इस नाम को ऊपर लाना है, मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर ले जाना है इसको, तो यहाँ पर टॉप अलाइंस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए ऊपर आ जाएगा। और यहाँ ये लिखा है मिडिल अलाइंस, तो ये बीच में आ जाएगा। इसके बाद में ये है यहाँ पे बॉटम अलाइन, तो यहाँ पे आप बॉटम अलाइन करेंगे तो यहाँ पे ये बॉटम में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सेंट्रल कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे इसको मिडिल कर सकते हो। तो ये सेंट्रल भी हो गया और मिडिल भी हो गया, ऐसे आप इसमें ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कलर फिल करने हैं तो कलर फिल करने के लिए फिर से आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है फिल कलर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आप जो भी कलर चूज करना चाहें आप कलर चूज कर सकते हैं। अब यदि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए आपको फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट का कलर ले सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए, काफ़ी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, वहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया तो जो टेक्स्ट का कलर है रेड हो चुका है। अब आपने इस सेल में काफ़ी फॉर्मेटिंग की है। अब आपको नहीं मालूम है कि ये मैंने कितनी फॉर्मेटिंग इसमें की है, और आपको फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लग रही है। सेम इसी फॉर्मेटिंग को आप किसी दूसरे टेक्स्ट या नंबरों में भी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। बार बार आपको फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले इस सेल में माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको प्रेस करना है। इसके बाद में आपको जाना है फॉर्मेट प्रिंटर पर। यहाँ पर आप जाइए फॉर्मेट प्रिंटर पर, यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, ब्लिंक करने लग गया। अब यहाँ पे आप माउस को देख रहे हैं, माउस का जो आकार है ये भी चेंज हो गया है, प्लस बन गया है, और यहाँ पे एक ब्रश आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी कमांड है ये रेडी है अप्लाई होने के लिए किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी नंबर में। अब यहाँ पे जो 11 नंबर है इसी में हमें इस कमांड को अप्लाई करना है, तो सिर्फ माउस का यहाँ पे लेफ्ट बटन सिर्फ प्रेस करना है ऐसे। तो देखो यहाँ पे ये कमांड अप्लाई हो गई। सेम जितनी भी कमांड यहाँ पे लगी हुई है वही सारी फॉर्मेटिंग यहाँ 11 नंबर जो लिखा हुआ है इसमें अप्लाई हो जाएंगी। अब यही फॉर्मेटिंग अगर आपको इन नंबरों में भी करनी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाना है, और जितनी भी सेल यहाँ से जो नंबर है, ये जो सेल है इनमें जो नंबर लिखे हुए हैं इन पे आप क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से माउस को छोड़ दीजिए तो ये कमांड यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है इसमें ये कमांड अप्लाई नहीं करनी है, तो इसके लिए आपको ये जो साधारण यहाँ पे टैक्स बने हुए हैं जैसे कमल लिखा है या मोहन, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पे जो 7 नंबर है इस पे माउस का बटन प्रेस कर दीजिए ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये कमांड हट जाएगी। आप कमांड को हटा भी सकते हैं और कमांड को अप्लाई भी कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग है उसको आप हटा भी सकते हैं
और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। हटाने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं है उस वाली सेल को आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंट पर जाना है, और जहाँ पे ये कमांड लगी हुई है उस कमांड में माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना, तो ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग की है ये फॉर्मेटिंग मुझे कमल जो टेक्स्ट है इसमें भी करनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है, कमल पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन, तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है सभी यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं, सेम वही फॉर्मेटिंग है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन के रूप में कि ये फॉर्मेट प्रिंटर किस प्रकार से कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।